अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। मोहब्बत दो रूहों की ना खत्म होने वाली बाहमी परवाज का नाम है। ये दुआ जरूर किया करो कि या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिस पर हम भी राजी रहें और तू भी राजी रहे। आमीन। लामहदूद आरजुएं महदूद जिंदगी को अजाब बना देती हैं। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। अगर ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। गुस्से में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ जज्बात बोलता है, सच नहीं बोलता। हमें बहुत ज्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज्यादा जरूरत है। रात की इबादत अफजल है, जिसकी रात बेदार हो जाए उसका नसीब जाग जाता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। हर एक को आपसे पैसा नहीं चाहिए होता, हर एक आपकी शक्ल और सूरत पर नहीं मरता। अगर आप ऐसा समझते हैं तो गलती पर हैं। कभी कभी आप जो हैं जैसे हैं अपनी तमाम खूबियों और खामियों समेत ही किसी के लिए अहम होते हैं, बस यूं ही बेसबब बिला वजह। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज्यादा मेरा रब जानता है। किसी पसंदीदा चीज की तरफ ताल्लुक हो जाना मोहब्बत कहलाती है, और उस ताल्लुक का शिद्दत इख्तियार करना इश्क कहलाता है। खुशी देने से मिलती है और मोहब्बत भी देने से मिलती है, ये मांगने से नहीं मिलती। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर बादशाही कबूल नहीं की। मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहनकर उतारा नहीं जाता। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। तकलीफ आती है हमारे अमाल की वजह से, हमारी वसत बर्दाश्त के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से। हर तकलीफ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए आती है। पसंद करना मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मकाम है। अगर गरीब फाके से मर रहा है तो अमीर यकीनन बदहजमी से मरेगा। आज का इंसान सुकून की खातिर आसमानों का दरवाजा खोलने चला गया है, लेकिन उससे दिल का दरवाजा नहीं खुलता। मौत का खौफ इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीजों से जुदा हो जाएंगे। अजीजों को तो हम जिंदगी में ही जुदा कर देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।